कुछ जागरूक मतदाता है जो पहले अभी तक नहीं थे, अभी भीड़ थोड़ी कम हुई थी दोपहर में, लेकिन अब जैसे कि भीड़ बढ़ने लगी है, तो आइए जानते हैं मतदाताओं का मत कि क्या सोचते हैं इस 2019 चुनाव के बारे में। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर सिंह भदौरिया। प्रभाकर सिंह भदौरिया जी, तो आपने वोट दे दिया जी? चलिए मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दिया, लेकिन क्या लग रहा है किसका रुझान है इस बार 2019 के चुनाव? बस अब की बार तो मोदी है तो मुमकिन है एक बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, और सारे लोग पूरा यहाँ पे पूरा माहौल सुबह से ही यही बना हुआ था। अच्छा, और बाकी है सारे लोग। आपको लगता है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं पिछली बार मोदी का कहर थी, इस बार मोदी का कहर है? हाँ, मोदी का कहर बिल्कुल एकदम, नो डाउट। जिस हिसाब से उनका पूरा कार्यकाल रहा है और लास्ट में आतंकवाद को लेकर जिस हिसाब से रहा, तो एक बार फिर से मोदी सरकार और भारत माता की जय। ये और जानना चाहूँगा, आप यहीं पर यहीं के रहने वाले हैं जी, आपको पिछले 5 साल मोदी सरकार रही, आपको लगा कि आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? जी, मेरे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। मेरे उत्तर विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज वोरा ने बहुत प्रयासरत किया इस चीज़ के लिए, और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएँ, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा काम आया। अच्छा, इस बार जैसा कि सुन रहे हैं कि जगह जगह पर एक बात है कि कहीं पर भी सड़क, पानी और बिजली, इन तीन चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही है। कोई भी अपोजिशन पार्टी वाला है, कोई भी इन तीन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है, जैसे कि हर बार ये मुद्दा रहा करता था। इस बार इन तीनों में से कोई भी मुद्दा नहीं है, तो आपका कहना क्या है, आपके क्षेत्र में या लखनऊ में जहाँ पर हम गढ़े हैं अभी इस टाइम पर, वहाँ पर इन तीन चीज़ों की सच में परेशानी खत्म हो चुकी है या सिर्फ एक ये बात है फैलाई हुई है? नहीं, अगर रियल में कहा जाए तो परेशानी क्या है कि हम लोग जिस जगह पर खड़े हुए हैं यहाँ पर पूरा नया बेस है, ठीक है, तो काम की तो जरूरत है ही है, काम है और काम ऑलरेडी हो भी रहा है। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होना है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, विधायक जी प्रयासरत हैं, सांसद जी के कोटे से काम आ रहा है, इसलिए काम हो रहा है, टाइम लगेगा, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम के लिए पूरा टेंडर हो चुका है, पास हो चुका है, इस चीज़ के लिए जनता बहुत उत्सुक है और बीजेपी से संतुष्ट है। तो आपका मतलब बताओ जी, कुल मिलाकर यहाँ पर जितना भी तक काम हुआ है 5 साल में जितना होना चाहिए था उतना हुआ है और आगे आपको उम्मीद और? हाँ, आगे अभी 2-3 साल में जो भी है, जितने पेंडिंग काम पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, सीवर प्रोजेक्ट के हैं, नाला के हैं, जो भी काम है लाइट का है, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। चुनाव की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ था, अभी चुनाव के बाद भी सारे टेंडर तेज़ी से काम, बहुत अच्छे काम। जागरूक मतदाता है, यहाँ हमारी सब लोगों से बात भी हुई है, अभी पुलिस वालों ने भी हमें बताया कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान अच्छे तरीके से शुरू हुआ, सुबह 6:30 बजे से लाइन लगनी स्टार्ट हुई, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी की वजह से कम है, बट लोगों को पता लग रहा है कि अभी और भी लोग आने वाले हैं। तो बात करेंगे हम लोग अपने कुछ जागरूक मतदाताओं से। तो सर, आपका शुभ नाम है? हमारे साथ सर, कैसा रहा अभी तक मतदान आपके नज़र में? जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्श मतदान केंद्र एक बनाया गया है, तो यहाँ पे सुविधाएं भी अच्छी हैं, ऐसी कोई धूप का उतना असर नहीं है, यहाँ तक कि अगर आप देखते होंगे कि जो गेट से यहाँ तक आने के लिए भी जो है लाभ मैट बिछाई हुई है ताकि पैरों में भी यहाँ पे गर्मी न लगे, पीने के पानी का इंतजाम है, और अंदर स्कूल है उसका परिसर भी काफ़ी स्वच्छ है, सुंदर है, काफ़ी लोग आए हैं हमारे साथ, हमारी डॉक्टर भी आई है, और चीज़ का मतलब फर्स्ट टाइम होगी, तो जस्ट 18 इसमें कंप्लीट किया है। बहुत अच्छी बात है, पहली बार ही आप वोट करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है वोट डालने के बाद में, आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको लगता है कि जो सुविधाएं यहाँ पर मतदाताओं के लिए वो बिल्कुल ठीक से हैं, सही हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतदाता पूरी तरह संतुष्ट हैं, यहाँ पर जो भी इंतज़ाम है यहाँ पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं लग रही है। मैं और भी लोगों से बात करी, ऑफिसर से बात करी, उन लोगों ने भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। धन्यवाद।